वैक्सीनेशन के 15 घंटे बाद महिला की मौत। 53 साल की महिला ने दिन में खेत में काम किया फिर टीका लगवाया, रात को तबीयत बिगड़ने के बाद गई जान, डॉक्टर बोले हार्ट अटैक की आशंका। अलवर के शाहजहांपुर में वैक्सीनेशन के करीब 15 घंटे बाद महिला की मौत हो गई। महिला की उम्र करीब 53 साल थी। परिजनों का कहना है कि वैक्सीन लगवाने से पहले उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी, दिन में उन्होंने खेतों में काम भी किया, टीका लगवाने के बाद रात को तबीयत ज़्यादा बिगड़ी और मौत हो गई। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि महिला की हार्ट अटैक की वजह से मौत हुई है, क्योंकि टीका लगने के इतने घंटे बाद मौत का कारण वैक्सीन नहीं हो सकता। दिन में 12 बजे के बाद वैक्सीन लगवाई, रात में 3 बजे मौत। मृतक का नाम बिरमा देवी था, वह शाहजहांपुर सैनी मोहल्ले के बेटू बहू के साथ रहती थी। महिला के 7 अप्रैल यानी बुधवार को दिन में करीब 12 बजे के बाद वैक्सीन लगी, उसी रात को करीब 3 बजे के बाद उनकी मौत हो गई। टीका लगने के बाद महिला का जी मचलाने लगा, जिसे सामान्य लक्षण समझा जाता है। परिजनों ने बताया कि महिला दिन में अपने बेटे से कह रही थी कि जी मचला रहा है, चक्कर आ रहे हैं। बेटे ने डॉक्टर से बात की, उन्होंने बताया ये सामान्य लक्षण है, किसी किसी में ऐसा होता है। लेकिन रात को तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई, ज़्यादा बिगड़ने पर महिला को अस्पताल ले गए, वहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मेडिकल हिस्ट्री नहीं देखी, दिन में खेतों में काम किया। काम परिजनों ने बताया कि महिला बीमार नहीं थी, उनकी कोई मेडिकल हिस्ट्री भी नहीं थी। महिला ने दिन में खेतों में काम किया था, खेत से वह सीधे वैक्सीन लगवाने गई थी। CHC प्रभारी ने बताया कि वैक्सीन से जिस वायल महिला की वैक्सीन लगी है उसी में 9 अन्य लोगों को भी लगी थी, उनमें सभी की तबीयत ठीक है, ऐसे में मौत का कारण स्पष्ट नहीं है। मेडिकल बोर्ड से होगा पोस्टमार्टम, महिला का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से कराया जा रहा है। बोर्ड में शामिल डॉक्टर विक्रम यादव ने बताया कि टीका लगने के बाद मरीज को 20 मिनट तक ऑब्जर्वेशन में रखा गया। महिला टीकाकरण के बाद ठीक थी, टीके से कोई परेशानी होती तो 20 मिनट में सामने आ जाती। हमने हार्ट का सैंपल लिया है, ज़्यादा संभावना यह है कि महिला को हार्ट अटैक हुआ है, यह हमारा प्राइमरी ओपिनियन है। बाकी मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया है, उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। वहीं नीमराणा के SDM योगेश ने कहा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव राजस्थान, जयपुर।